कृष्णा तट पर अमरावती नगर, जहाँ बम 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 भोला अमरलिंगेश्वर। कृष्णा तट पर अमरावती नगर, जहाँ बम 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 भोला अमरलिंगेश्वर। झिमिर झिमिर नदी बहे कथा कहे रे, बिना बोले हंसे खुशे व्यथा कहे रे। खट्टे मीठे रंग चुने बुने जिंदगी, मह मह के अमरावती की कथाएं, मह 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 के अमरावती की कथाएं। ये है अमरावती का धोबी घाट। यहाँ के धोबी भी वैसे ही होते हैं जैसे कहीं के भी धोबी। बाकी धोबियों की तरह इनकी जिंदगी का भी आधे से ज्यादा वक्त यहीं बीतता है धोबी घाट पर। ढेर सारी धुलाई और जिंदगी के ढेर सारे खट्टे मीठे और मजेदार अनुभव। घाट पर धोबनों से आंखें लड़ाना, प्रेम की डींगें मारना, लड़ना झगड़ना, हंसना मुस्कुराना, बात बात में एक दूसरे को गधा कहना और गधे को बाप। शहर भर से कपड़ा इकट्ठा करके लाना, धोना सुखाना और कई बार उन्हें पहन भी लेना। मगर धोबी घाट का ये हिस्सा कुछ अलग ही नजर खींचता है। ये है वेंकैया और पोलेरम, धोबी धोबन। करीब 50 की उम्र होगी इनकी, लेकिन इनका प्यार जरा भी कम नहीं हुआ। देख, कोई बदमाश अपने कुंडे को पक्का कर गया। वो इस बोमन गली के पट्टे होंगे, दिन तमाम गुलेला चलाती घूमते। ये कुंडा भी तो पुराने जमाने का, बदलते क्यों नहीं इसको? क्या बोली तू? अगर ये कुंडा पुराना हो गया तो इसको बदल दे हूं। कुमार के पास से दूसरा क्यों नहीं लाते? जिंदगी भर इसको चुपक करोगे तुम? फुलरमा, तू भी तो पुराने जमाने की है, नहीं लेके आऊं क्या? क्या बोले, क्या बोले तुम? यही तो बोला इसमें, हर पुरानी चीज बदली नहीं जाती, पुरानी चीज के साथ दिल का रिश्ता और भी गहरा होता है। ये कुंडा मेरे बाप के बाप के बाप का है। किसका है? मेरे बाप का है। अरे बाप क्या है? तो सब लोग देखते इधर। अरे देखते तो देखते, हम किसी से डरते क्या? जब प्यार किया तो डरना कहीं को, जब प्यार किया तो। वेंकैया और भोले रम्मा के हंसी मजाक के अलावा घाट का ये हिस्सा इस जवान सांबड़ू और उसकी नई नवेली दुल्हन लच्छी के हर पल चलते झगड़े की वजह से भी बड़ा मशहूर है। जैसे मेरा गधा मरा है, मेरे को गधा बना के रखी। चची यही नहीं लच्छी अभी? पहले तो अकेला कपड़े धोता था तू, जब से शादी हुई है लच्छी लच्छी। अरे होता है होता है, शादी के बाद मैं भी तो कैसे चिल्लाता था, पोलरम्मा पोलरम्मा। ऐसा बात नहीं है, मेरे को सुगड़ी की तो सकल से नफरत है, कर्म जली फूटी हड्डी, मालूम है कैसे मेरी किस्मत में आगे बढ़ गई। ये है लच्छी, दिखने में दुबली पतली लेकिन गुस्से में लाल मिर्च से भी तेज। गन्ना खाती है लेकिन सांबड़ू के लिए उसकी आवाज कभी मीठी नहीं होती। दोनों में 36 का आंकड़ा है। आओ आओ महारानी, बड़े जल्दी अपने चरणों से धोबी घाट को पवित्र किया। क्यों रे, ये बटना जैसे आंखा मटकाती हुए कहाँ घूम रही तू? ए, जबान संभाल के बात कर, लोगा कपड़ा देने को देर लगाते तो मैं क्या करूँ, उनके बदन से खींच के ले आऊँ? अरे तेरे को शर्म नहीं आती है? देर से आती, ऊपर से चाकू की माफिक जुबान चलाती है। ए, क्या करते तुम लोग, आते आते झगड़ा फाड़ना शुरू। देखो चाचा, सुबह 10 बजे सो के उठेगी, उसके बाद जुड़वा काटेगी, जुआन निकाल निकाल के मारेगी 1 घंटे तक, उसके बाद आंखों में काजल का पोता मार के कूल्हा मटकाते हीरोइनी के माफिक जाएगी। कपड़ा मार रहा है, तू क्या करता है? अपनी कुत्ते जैसी मूछों को आईने में देख के मरोड़ता रहता है और कपड़े लेने के बहाने लुगाइयों के पीछे पीछे भागता है। ए, काली कढ़ाई सूखी केकड़ी है, तांगा तोड़ के नदी में डुबा के मार दूंगा। अरे हमने बेवकूफ, तुझे तो गधा होना चाहिए था, गधा तू पता नहीं कहां से धोबी हो गया। अरे मेरे को गधा बोली रे तू, मैं तेरे को गधा बोली रे तू। हां तेरे को मारेगा तू, मेरे को गधा बोलेगा तू। लो लो लो, मेरा हाथ मरोड़े।
इस सूखे बांस से बांध दिया मेरे को। अच्छा तो मेरी दादी की भूत परेर से हुई होती, न बातें करने की तमीज न बोलने की तमीज। चुप चुप। अरे चुप, एक लफ्ज भी और निकाला तो कल से तुम लोगों का धोबी घर में घुसने नहीं देते। नहीं अरे मेरे को ये देखो। अरे भाई तू चुप, काम कर, तू चुप, तू भी बैठ इधर, बैठ तू इधर, तू काम कर। मेरे को जीना हराम कर दिया, देख लूंगी ना। अरे तू क्या देखेगी मेरे को, चुप देखेगी, तू देखेगी मेरे को। चुप ये नीली साड़ी सांबड़ू इसे बहुत प्यार से धोता है, क्योंकि ये साड़ी एक सुंदर लड़की सीतालू की है और सांबड़ू हमेशा सीतालू के ख्वाब देखता है। सीतालू सांबड़ू मेरे प्यारे, इस बार तुमने बहुत देर लगा दी कपड़े लाने में। मैं तुम्हारे कपड़े बहुत प्यार से धोता हूँ, फिर उसमें धीरे धीरे इस्त्री करता हूँ। एक बात पूछूं? सौ पूछो मेरे राजा। मेरी रानी, तुम्हारे मम्मी और पप्पा हैं घर में? नहीं, क्यों? मैं सोच रहा था कि आज से उनसे तुम्हारा ये हाथ मांगे ही लेता हूँ। सच? हाँ। लेकिन वो तो चाचा के घर शादी में गए हैं। शादी में गए? हाँ। चलो अच्छा हुआ, हम कृष्णा नदी के किनारे चलते हैं। तुम वो नीले साड़ी पहन लो ना। तुम पहना दो ना। मेरी बगिया में आई बहार सजनी, मुझे जब से मिला है तेरा प्यार सजनी। करीब आ जरा मैं तुझको छू तो लूं, दूर क्यों खड़ी है मुझसे मेरी फुलझड़ी। तूने जीवन दिया है सवार सजनी, मुझे जब से मिला है तेरा प्यार सजनी। अरे नीली धो जाए पीली धो, तो इसे क्या तू अपने कपड़े धो? मेरे से नहीं बोलना ज्यादा। साड़ी नहीं धोऊंगा तो क्या कपड़े खत्म होंगे? अकेला यही धो रहा है बैठ के। ए तो भगभग मत कर, मार दूंगा। अरे फिर बोल देती है, मेरे से मतलब। चुपचाप तू अपने काम कर, ये आधे कपड़े तू धो, आधे मैं धोऊंगा बस। ये ले साड़ी धोऊंगा नीली। अरे तू मर, चुप, कोई चक्कर चक्कर नहीं। ए बोले रम्मा, बोले रम्मा, बता मैं तेरे वास्ते क्या लाया? तेसरक, मैं सरक में भी रहेंगी तो भी मेरे को मालूम, तू वहां भी मेरे वास्ते पेसरट ही लाएगा। ले। मेरे को तो शादी के बाद आज तक पेसरट खाने को नहीं मिला। तू कुछ भी खा ले, रहेगी सूखी केकड़ी। तू तो बड़ा पहलवान है, सिनेमा का हीरो। वो तो हूं ही।
जवान की हड्डी तो है नहीं, जो मर्जी बोलता रहता है। तेरी जवान में है हड्डी? हाँ, 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 है। पता नहीं बाप को कहां से ये लड़की मिल गई। और ये रेशमी धोती एक वीणा वादक की है, वीणा वादक जिसके सपने देखती रहती है लच्छी। प्रियतमी, आ गई हो तुम? हाँ मालिक। अति सुंदर वस्त्र धोती हो प्रियतमी तुम। आपके वस्त्र तो इतने साफ होते हैं मालिक कि उन्हें धोने में मुझे मेहनत ही नहीं लगती, और आप खुद भी तो कितने साफ सुथरे हैं। नहीं नहीं, ये तो तुम्हारे कोमल हाथों का जादू है। मेरे हाथ सुंदर कहाँ हैं स्वामी? साबुन और सोडा ने इन्हें कितना मलिन कर दिया है। ये पतली पतली कलाकारों जैसी उंगलियां। मैं तुमसे जल्द ही शादी कर लूंगा, फिर तुम वीणा बजाना, मैं गाऊंगा। जरा करीब तो आओ, वीणा के तार तुझे। स्वामी, पर मुझे तो वीणा बजानी नहीं आती। मैं सिखाता हूँ। जानन जानन तेरी पायल बाजे, मस्त मयूरा बन बन नाचे। जनन तेरी पायल बाजे, मस्त मयूरा बन बन नाचे। मुस्काई जग मुस्काया, तेरे लिए सब छोड़ के आया। मेरे सुरों में तू है बसती, तेरे सुरों में मैं भरमाया। तेरी मूरत हृदय विराजे, मस्त मयूरा बन बन नाचे। धोती नदी में बहती तेरी? कुछ नहीं, चक्कर आ गया था जरा। है मरियल छछूंदर से, चक्कर नहीं आएगा तो क्या होगा? अरे चुप! ये घंटे भर से एक साड़ी और धोती के लिए लड़ रहे हो तुम लोग। अरे सूरज जल गया तो कपड़े कहाँ सुखाओगे? जाओ जाकर खाना खाओ। बोले रम्मा, वेंकैया शाम बड़ो लच्छी, आज मेरे घर में बेटी का शादी है, घर पे जरूर आना। हाँ हाँ आएंगे। ए लाची, चलेगी ना तू? हाँ। ए सांबड़ू, आएगा? हाँ। ये जाएगी तो मैं नहीं जाऊंगा। क्या? चल बोल रहा हूँ। लेकर खाना नहीं खिलाई है? उधर पोटली में रखा है, जाके खा ले। किधर रखा है? उधर रखा है। रखा ज्यादा मेरे से मत उतार। अचार नहीं लाई? अरे अचार हो तब तो लाऊं। अरे तो कैसे खाऊं ये? जाके बामन गली से ले गया। रोज रोज नहीं देते वो लोग, आज ऐसे ही खा ले बिना अचार के। अरे लेके आनी तो नहीं खाऊंगा मैं, सुअर को ले जाके खिला दिए। हाय हाय, नखरे तो देखो,
जैसे धोबी ना हो, बड़ा भारी संगीतकार हो। लाती है नहीं तो कसम से मार दूंगा तू, जा लगे। अम्मा, अम्मा। क्या रे, क्या चाहिए? थोड़ा अचार मिलेगा। अरे क्या, ये ले। पेट में बच्चा है क्या तेरे, जो रोज रोज आचार मांगने चली आती है? मुझे नहीं लगता है, मेरे मरद के पेट में बच्चा है, वही रोज रोज मंगवाता है। ले आचार। बना लिया करो, अब का जल्दी और जाकर कपड़े लेके आ, सो मत जाना। पहले तू लेके आ, फिर मैं लेके आऊंगी। कपड़े ठीक से धोया कर, गंदे ले जाती है और गंदे ही वापस लाती है। नहीं नहीं मालिक, मैं तो अपने हाथों से आपके कपड़े धो के लाती हूँ, देखिए ना कितने छाले पड़ गए। हाँ ठीक है ठीक है, कपड़े गिन और चलती बन। एक, तीन, पाँच, दस। ये क्या उल्टी सीधी गिनती कर रही है, गिनना नहीं आता क्या? मालिक आपकी वीणा, मालिक मुझे वीणा बजाना सिखाएंगे? सूरत देखिए अपनी, पहले ढंग से कपड़ा धोना सीख, फिर वीणा की सोच। अब चल जा, मुझे अभ्यास करना है। कल तू एक कपड़ा कम लाया था, मैं तेरे पैसे काटूंगी। काट लेना। बेशर्म, एक तो गलती करता है और ऊपर से हंस रहा है। सीताड़ू अम्मा, आप कहो तो रोने लगता हूँ। तू हंस या रो, मुझे क्या करना है? अब जल्दी जाए यहाँ से, मुझे पढ़ना है। कितने कपड़े थे? अभी तो गिने ना तूने, सात थे। सात? सात नहीं, आठ थे। नहीं नहीं, फिर गिन लेता हूँ। एक, अच्छी मुसीबत है। दो, अब जल्दी जल्दी गिन ना। एक, दो, तीन, चार, पांच, छह और सात। सात और एक, ये सात नहीं छह। अरे अभी तो गिना ना, चल अब जल्दी जा, कुत्ता भेजू तेरे पीछे। कुत्ता जाता है या नहीं? मोती, तो पसर के क्या बैठ गई, इसे गर्म कर। जा तो पहले कोयला तोड़ के ला। अरे कोयला टूटा पड़ा है, बताइए बोरे में उधर। पान तोड़ता रहता है बेटा। तोड़ के लाया कोयला तू? ये टूटा हुआ कोयला है। अंधी है क्या, देखती नहीं है? तू अंधा होगा। ए ज्यादा जबान मत चला, कसम से पिट जाएगी। पिट जाएगी। देख देख, अब अकेली अपनी स्त्री गरम करेगी, मेरी नहीं करेगी, फोन करेगा तेरा बाप। तू कर ले खुद से। अरे 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 अरे, सारा तेल डाल दिया। अरे सूखा कोयला लाया कर, गीले कोयले में तेल ज्यादा लगता है। अरे पैसे लगते हैं उसमें, पैसे पैसे पैसे। ए सांभाड़ू, अरे चलना नहीं तेरे खुदावत ने? हाँ चलना है। चल अब तैयार हो जा, छोड़ो से। अरे खड़ी क्या है, जा। अभी बताती हूँ। क्या बताइए तू? अरे औरत है क्या है ये? लच्छे, लच्छे,
अरे दुनिया एक मिनट में तैयार हो जाती है, तू 10 घंटे लगाएगी क्या? अरे आ रही हूँ ना, क्यों चिल्ला रहा है? क्या आ रही हूँ कर रही हूँ, जल्दी निकल। बच्चे, बच्चे! लच्छी, तू सचमुच लच्छी है ना? तू तो बड़ी सुंदर लग रही है रे। सांबड़ू, तू भी तो कितना सुंदर दिख रहा है। मैंने हमेशा तुझे गुस्से में ही देखा है, मुस्कुराते हुए तो कितनी अच्छी लग रही है। आ दूर क्यों खड़ी है, करीब आना।